बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर वन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन से रेलिवेंट टेस्ट नंबर वन। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमारे पास मौजूद था, जिसकी रिक्वायरमेंट थी कंप्यूटर वैल्यू ऑफ स्टॉक एज 31 दिसंबर 2017 यूजिंग फाइफो मैथड। अच्छा, अब ये काम तो चलो ईजी हो गया कि हमें जो कॉस्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं हम लोगों ने वो फाइफो मैथड है। हमने जस्ट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है बस। हाँ, वो अलग बात है कि उसको फाइंड करने के लिए हमें एफर्ट्स बहुत ज्यादा पुट करनी है। सबसे पहले ध्यान से अपने पास क्वेश्चन को पढ़ा करो, उसके बाद वो सोल्यूशन का स्केच बनता है कि हम लोग इस डाटा से रेलिवेंट अपने पास सोल्यूशन किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ही डाटा को पढ़ने लगे, सुपीरियर एंटरप्राइजेस इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू 4 डिफरेंट इंडस्ट्रीज। द डिटेल्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ इन्वेंटरी रिलेटेड एक्सपेंडिचर आर एज फॉलोज। आप लोगों को ये आइटम जो बता दिए कि टोटल उसकी 4 प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड डी हैं। साथ में उसने आपको ये बताया कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है इन यूनिट्स एंड इन वैल्यू कितना है, मतलब अगर पर यूनिट की जरूरत पड़े तो आप लोग खुद से फाइंड कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। साथ में वो आपसे कहता है कि जो क्वांटिटी हम लोगों ने परचेज की है वो, और जो उनकी इनवाइस वैल्यू है वो उसने साथ में आपको बता दी। साथ में उन इनवाइस वैल्यूज के ऊपर कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज हमने पे करनी थी, उनमें से कुछ रिफंडेबल हैं और कुछ नॉन रिफंडेबल हैं। एट द एंड उसने आपसे कहा कि जो क्वांटिटी हम लोगों ने सेल की हर प्रोडक्ट से रेलिवेंट वो बताई, और हमें कहा गया कि हम लोगों ने जो सेलिंग प्राइस है वो ये वाली है, लेकिन इन टोटल है, पर यूनिट नहीं है ये की। जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में गए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अप टू द कंपनीज गो डाउन आर ₹100 पर यूनिट, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी का पार्ट बनते हैं। तो ये जो हमारे पास इनवाइस वैल्यू थी प्लस रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज प्लस हमारे पास ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट, ये आएंगे हमारे पास, ये सॉरी नॉन रिफंडेबल ऐड हो गए, नॉन रिफंडेबल ऐड कर देंगे। साथ में ₹100 पर यूनिट हम लोगों ने जाकर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनाना है। फिर हमारे पास आया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम द कंपनीज गो डाउन टू द कस्टमर्स प्रेमिसेस और एक्स अप्रोक्सीमेटली ₹150 पर यूनिट। ये बेसिकली आप लोगों की सेलिंग कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगी, ये आप लोगों की सेलिंग कॉस्ट है कि इन्वेंट्री को सेल करने के लिए आपको इतना एक्सपेंस करना है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, एनआरवी की कैलकुलेशन में है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल है। ऑल राइट, और फिर आपके पास आया 25% ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आइटम ए हैज बीन डैमेज्ड ड्यू टू मिस हैंडलिंग एंड कैन ओनली बी सोल्ड एट 60% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। अ न्यू प्रोडक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अ कंपेटिटर, इट इज सिमिलर टू द प्रोडक्ट सेम एंड इज बींग मार्केटेड एट ₹3,200 पर यूनिट। द मैनेजमेंट ऑफ द सुपीरियर इंटरप्राइजेज इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन फ्यूचर इट विल ऑल्सो हैव टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ सी ₹2,3,500 पर यूनिट, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसके लिए जब एनआरवी की कैलकुलेशन की जाती है तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन फ्यूचर प्राइस ही तो देखी जाती है। तो वो कहता है कि आज तो पता नहीं मैं जो वैल्यू पे भी सेल कर रहा था वो हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन कहता है फ्यूचर में जो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो इस वैल्यू पे नहीं जाएगी जो आज मैं सेल कर रहा हूँ, वो जाएगी इस वैल्यू के ऊपर। तो उसकी एनआरवी की कैलकुलेशन के लिए आप लोगों ने एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस फॉर प्रोडक्ट सी लेनी थी ₹3,500 पर यूनिट। On October 1st, 2017, 200 units of D had been pledged with a bank as security against a short-term loan, which is repayable on March 31st, 2018. इस पॉइंट का आपके क्वेश्चन की वैल्यू कैलकुलेशन में किसी किस्म का कोई रोल नहीं था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी इन्वेंट्री वगैरह प्लेज करवाई हुई है, इन्वेंट्री फिर भी आपकी ही है और आप उसको यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग अपने घर के डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करवा के और वहां से लोन ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब तक लोन रीपे नहीं करेंगे हम अपने घर में रह नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। तो वो जस्ट एक सिक्योरिटी पर्पस है। तो
तो आप अपनी इन्वेंट्री को भी प्लेज करवा सकते हैं। इन्वेंट्री आपकी ही है, क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट ही रहेगी। इस पॉइंट का होना या ना होना डी प्रोडक्ट डी की वैल्यूएशन में किसी किस्म का कोई रोल प्ले नहीं करता। ऑलराइट, अब अगर आपने क्वेश्चन को गौर से देखा हो तो प्रोडक्ट बी के बारे में तो उसने कोई बात ही नहीं की, मतलब प्रोडक्ट बी एज इट इज जैसे अपनी कॉस्ट पर आ रही है बिल्कुल वैसी की वैसी चल रही है। जबकि जो प्रोडक्ट ए है उसके बारे में हमें देखना है कि जो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसका 25% डैमेज है और 75% गुड है, तो डैमेज इन्वेंट्री के लिए अलग से एनआरबी देखनी है। एनआरबी के लिए उसने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी। फिर प्रोडक्ट सी के बारे में बताया कि कंपेटिटर आ गया तो हमारी सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगी, तो इंडिकेशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी एनआरबी लॉस की, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि अगर हमारी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो जाए तब भी हम लोगों ने एनआरबी की कैलकुलेशन कर लो। अब जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने के लिए जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं इसको प्रेजेंट करने के। जब हम लोगों ने वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बतानी है तो आप लोग देखें मैंने कॉस्ट भी देखनी है, मैंने एनआरबी भी देखनी है कुछ प्रोडक्ट्स की, तो मुझे एनआरबी की कैलकुलेशन भी करनी है। तो वैसे मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप इसको ना जरा टेबुलेशन की फॉर्म में लेकर जाए, क्या टेबुलेशन की फॉर्म में जाकर आप इसकी वैल्यूज के बारे में बताएं। टेबुलेशन में जब आप लोग जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा कुछ इस तरह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। टेस्ट वन, टेस्ट वन, टेस्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा, अब जब आप लोग जाएंगे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ स्टॉक, उसके लिए आप लोगों को कुछ कॉलम्स वगैरह बनाने। उसमें सबसे पहला कॉलम जो आप लोगों के पास आना है वो आना है आपकी प्रोडक्ट से रहकर, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के बाद आप क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बताते हैं कि आप लोगों के पास आपके क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं, यहाँ पे ये यूनिट्स लिख दें। फिर आप लोग जाएं और वहां पर बताएं कि इन यूनिट्स की कॉस्ट, अच्छा ये जो टेबल है ना ये इन टोटल भी हम लोग बना सकते हैं और ये टेबल पर यूनिट के हिसाब से भी हम लोग बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है, यूनिट से बताएं। उसके बाद आप लोग इनकी कॉस्ट बताते हैं और हम लोग को लेके चलेंगे इसको कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि ये इजी डिफाइंड हो सकती है, जहां किसी क्वेश्चन में इजी डिफाइंड ना हो सकती हो वहां पे आप टोटल लिख दिया करें। अब जो कॉस्ट पर यूनिट लेके चल रहा हूं तो आगे एनआरवी भी पर यूनिट लेके चल रहा हूं। एनआरवी की कैलकुलेशन के लिए मुझे मिलेंगी चीजें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, ये दो चीजें हैं और इनकी मदद से मुझे मिल जानी है एन आर वी पर यूनिट। ऑलराइट, इन दोनों में से मैंने किसी एक को लोअर वैल्यू को सिलेक्ट कर देना है, लोअर ऑफ एन आर वी एंड कॉस्ट, ये मैंने सिलेक्ट कर लेना है पर यूनिट के हिसाब से ही सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो भी ये सिलेक्ट करेंगे उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ऑलराइट, अच्छा अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो मेरे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। प्रोडक्ट ए, अच्छा इस तरह से लिख लिया करें, प्रोडक्ट बी सी एंड प्रोडक्ट डी। अब मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स बताने हैं लेकिन क्वेश्चन में ही मुझे पता चल गया था कि एक प्रोडक्ट ए ऐसी है जिसके यूनिट्स मैंने टोटल नहीं जाके लिखने, उसका 25% मैं अलग करूंगा जो गुड यूनिट्स हैं, और जो डैमेज यूनिट्स हैं, सॉरी 25% जो डैमेज हैं
वो मैं अलग करूंगा, और जो गुड यूनिट्स है 75% उनको अलग से हम लोग जाके देखेंगे। तो ये दोनों लाइनें इसके लिए यूटिलाइज हो जाएंगी कि गुड यूनिट्स कितने हैं और डैमेज यूनिट्स कितने हैं, बात करें। अच्छा, अब बात करेंगे इन तमाम वैल्यूज की कि भाई हमारे पास ये तमाम वैल्यूज कैसे आएंगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल इजीली हमें पता चल गई 150 रुपीज पर यूनिट, 0.2 एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल 150 रुपीज पर यूनिट, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास हो, आपने यहां पर आकर इसके लिए 150 ऑलराइट। अच्छा, अब अगर बात करें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, तो भाई 0.4 से मुझे पता चल गया कि प्रोडक्ट सी की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है, 3500। ये जाके आ जाती है, ये 3500 प्रोडक्ट सी की, ये इसकी 3500 एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है। बात समझ आ गई? जो मेरा कंपेटिटर है ना, वो 3200 रुपीज में सेल करता है। मुझे इस बात से कोई गर्व नहीं है कि कंपेटिटर कितने में सेल कर रहे हैं, मैंने ये देखना है कि फ्यूचर में मैंने कितने में सेल करना है। अब दोनों की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में भी फर्क आ सकता है, तो उसके बाद हो सकता है थोड़ी लोअर क्वालिटी हो, हमारे पास थोड़ी अच्छी क्वालिटी हो, लेकिन ये नहीं है कि मैं 5000 रुपये में इसको सेल करूंगा या बहुत एक्सपेंसिव सेल करूंगा, तो थोड़ी बहुत मैंने अपनी प्राइस गिरा दी। अब जब कस्टमर मार्केट में आएगा ना, वो उसके बाद गया, उसने 3200 बताया, हमने 3500 बताया, तो हम उसे साथ में अपना कंपेटिटिव एज भी बताएंगे कि मैं उससे 300 रुपीज ज्यादा क्यों ले रहा हूँ। ओके, तो हमने ये देखना है कि हम उसको कितनी वैल्यू के ऊपर सेल कर रहे हैं, हमने अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस खुद से डिटरमिन कर। ऑलराइट, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 3200, अपने कंपेटिटर की सेलिंग प्राइस हम लोग नहीं लेकर आएंगे, हमने अपने यूनिट्स की सेलिंग प्राइस को देखना है। क्लियर? तो ये आ जाएगी हमारे पास 3500। अच्छा, फिर हम लोग गए, कोई और ऐसी चीज नहीं थी जो हम लोग जल्दी से लिख सकते। अब हम लोग यहां पर आए, तो यहां पर देखें तो क्वांटिटी सोल्ड, यहां से मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट का पता चल सकता है। तो बाकी तमाम यूनिट्स के लिए तो मेरी सेलिंग प्राइस कुछ इसी तरह से इधर ही से आ जाएगी। तो प्रोडक्ट ए की अगर हम लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट की बात करें तो डायरेक्टली नहीं पता चल रहा, तो अब आ जाएंगे वर्किंग नोट्स की तरफ। वर्किंग नोट, वर्किंग वन, सेलिंग प्राइस, पर यूनिट। और सर, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट हर प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो हम यहां पे लिख देंगे प्रोडक्ट ए, बी, सी, डी, रेवेन्यू। हर प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, प्रोडक्ट ए से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, 1015000। यहां पे लिखे 1015000। प्रोडक्ट बी का रेवेन्यू 2080000। प्रोडक्ट सी 2320। एंड प्रोडक्ट डी 1155000। और ये रेवेन्यू कितने यूनिट सेल करने पे मिला, यूनिट्स सोल्ड जी। प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट्स, 350। प्रोडक्ट बी के 800, सी के 580 और डी के 350। ये लास्ट के कॉलम से हमें इन दोनों इंफॉर्मेशन का पता चल गया। क्लियर? अब हमने जाके फाइंड करना है सेलिंग प्राइस पर
यूनिट। तो ये कैसे आएगी, आप इसको नाम दे दो ए का, इसको नाम दे दो बी का, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे आ जाएगी, व्हेन ए डिवाइडेड बाय बी, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। ऑल राइट right. तो अब देखें इन वैल्यूज को आप आपस में डिवाइड करें, तो फर्स्ट प्रोडक्ट ए की नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो मतलब हमने रखी हुई है वो 2900 जी, नेक्स्ट 2600, नेक्स्ट वन 4000 जी, द लास्ट वन 3300। ऑल राइट, अब अगर प्रोडक्ट सी को देखो तो नॉर्मली मैं 4000 रुपीज पर यूनिट पे सेल कर रहा था, कंपेटिटर्स के आ जाने की वजह से कमिंग ईयर इन फ्यूचर जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है मैं 4000 पे सेल नहीं कर सकता, अब मैंने उसकी प्राइस को रिड्यूस कर देना है टू 3500। तो एनआरवी की कैलकुलेशन में 4000 यूज नहीं होगा, एनआरवी की कैलकुलेशन में यूज होगा 3500। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट ए की बात करूं तो प्रोडक्ट ए के लिए थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, और वो क्या है कि 25% ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक आइटम ए हैज बीन डैमेज्ड ड्यू टू मिसहैंडलिंग एंड कैन ओनली बी सोल्ड एट 60% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो आप देखो प्रोडक्ट ए की सेलिंग प्राइस का हमें पता चल गया, प्रोडक्ट ए की सेलिंग प्राइस कितनी है 2900। अब प्रोडक्ट ए के जो नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे उनको हम लोग डिवाइड करेंगे इन गुड यूनिट्स एंड डैमेज, ऑल राइट। अब गुड यूनिट्स के लिए हमारी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस सेम ही रहेगी जो हमारी अभी है 2900, हमने ये 2900 ही लिख दी इधर। लेकिन डैमेज यूनिट्स के लिए जो हमारी सेलिंग प्राइस आएगी वो 2900 का 60%, और वो बन रही है 1740। ये इस तरह स्टेरिक, और इस क्वेश्चन के नीचे आप इधर भी इस तरह कर सकते हैं स्टेरिक 2900 मल्टीप्लाइड बाय 60% इज इक्वल टू 1740। ऑल राइट, और अगर सपोज इधर ही जगह मिल जाए तो ब्रैकेट्स में इसको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन वो बड़ा अजीब सा लगेगा। अब जब इनको अलग अलग कर रहा हूं तो भाई इन यूनिट्स के ऊपर तो फिर अलग से मेरे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल आ जाएगी 150 की। ओके अच्छा, प्रोडक्ट बी की बात करें तो किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो प्रोडक्ट बी की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस नॉर्मल सेलिंग प्राइस ही होगी, और वो है हमारे पास है। तो यहां पर आप 2600 लिख लें, 2600। अच्छा प्रोडक्ट डी की बात करें तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है 3300। क्या किसी किस्म की प्रोडक्ट डी के बारे में कोई बात की उसने, प्रोडक्ट डी के बारे में कोई बात, 3300 प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी क्लोजिंग इन्वेंटरी को। ऑल राइट, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट या एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर तो किसी किस्म की कोई थी ही नहीं, आपको एनआरवी पर यूनिट का पता चल सकता है। एनआरवी पर यूनिट इज 2750, यहां से 1590, यहां पर 2450, इधर से 3350, और ये आ जाएगी हमारे पास, ये आ गई एनआरवी पर यूनिट। कोई शो, कोई शो। अच्छा अब बात आती है कि भाई एक तो कॉस्ट का पता हो मुझे कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द यूनिट का आ रही है, दूसरा मुझे यूनिट्स का भी तो पता हो ना कि मेरे पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारी वर्किंग चलेगी वर्किंग टू, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, मैं वैल्यू में नहीं जाके लिखना, इन यूनिट्स। अब चार प्रोडक्ट्स हैं, दोबारा से एक टेबल बना लो,
प्रोडक्ट ए, बी, सी, डी। तो जब इन यूनिट्स हम लोगों ने बताना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ये ओपनिंग स्टॉक, ये देखें, ये फर्स्ट कॉलम में आपको गिवन था ओपनिंग स्टॉक 30, 60, 40, 80, 30, 60, 40, 80। फिर आपने इसमें ऐड करना है परचेज्ड, परचेज यूनिट्स। परचेज यूनिट ये आ गई इधर 360, 780, 560 एंड 600। 360, 780, 560 एंड 600। अच्छा, अगर आपके पास टाइम हो, क्या आपको लगे कि क्वेश्चन के लिए अभी टाइम है, तो भाई इसका टोटल करके यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल लिख सकते हैं अगर टाइम हो तो। इनकेस आपको लग रहा है कि नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बस इसमें से लेस कर दें अपने पास यूनिट्स। अब यहां पर बेसिकली हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है, इशू नहीं लिखना, सोल्ड। ओके, रॉ मटेरियल हो तो इशू लिख, यूनिट्स सोल्ड। तो ये आपके पास सेकेंड लास्ट कॉलम से पता चल जाएगा कि हमने कितनी क्वांटिटी सेल की, 350, 800, 580 एंड 350, 350। ये इसमें से लेस हो जाएगा जी। नेक्स्ट वन इज 800, नेक्स्ट वन इज 580 एंड 350। तो यहां से अब आपको पता चल जाना है क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी, 40 ऐसे ही है ना। अच्छा, यहां से आपके पास 40, यहां से आपके पास आ जाएगा 20 एंड 330। ऑल राइट, और ये जाके अपने पास अपनी टेबल में फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड कर दो, 40, 40, 20 एंड 330। अच्छा, अब जब इधर आएंगे, ये तो आ जाएगा 40, 20, 330, क्योंकि इनमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। ऑल राइट, लेकिन जब आएंगे प्रोडक्ट ए के पास, टोटल 40 है, लेकिन इसका हम लोगों ने यहां पे लिखना है 40 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, एंड 40 मल्टीप्लाइड बाय 25% इज इक्वल टू, इस तरह। बात क्लियर, कोई इशू? डन। चलो अब आते हैं कॉस्ट की तरफ, क्योंकि जब तक कॉस्ट नहीं आएगी तब तक हमें लोअर वैल्यू का नहीं पता चलेगा। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, लेकिन अब पर यूनिट पर आएंगे, क्योंकि हमारा पूरा टेबल पर यूनिट के हिसाब से बनता है, एनवीआरपी पर यूनिट के हिसाब से मैंने रखी हुई है। तो कॉस्ट इन टोटल नहीं लिख देनी यहां पर, कॉस्ट हम लोग लिखेंगे पर यूनिट के हिसाब से, और ये ज्यादा इजी मेथड होता है। अब किस तरह से इसको करना है हम लोगों ने, वर्किंग थ्री कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पर यूनिट। तो भाई पर यूनिट का अगर आप लोग हिसाब देखें, तो स्टार्ट से ही आपको पर यूनिट का पता नहीं चलता, क्योंकि आपको जो इनवॉइस वैल्यू बताई गई है वो इन टोटल है, जो इंपोर्ट ड्यूटीज बताई गई हैं वो भी इन टोटल है। तो अभी के लिए आप इनको इन टोटल आने दो। तो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, बी, सी, डी। अब यहां पर आप लोगों ने आकर कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी बताने के लिए सबसे पहले आप उसकी ले लें इनवॉइस वैल्यू। बेसिकली इस क्वेश्चन में कोशिश की गई है कि आपको इन्वेंटरी की कैलकुलेशन का भी पता चले,
कि कौन सी चीजें ऐड लेस वगैरह हम लोगों ने करनी होती है, इन्वेंट्री की जो हम लोगों ने कैलकुलेशन देखी थी। फिर यह है कि आपने उसमें कॉस्ट फार्मूला भी अप्लाई करना है और एनआरवी के एडजस्टमेंट भी देखो। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर ना बेसिकली आपके पूरे चैप्टर की एक समरी थी कि आपका पूरा चैप्टर इसे क्वेश्चन से रिवाइज हो सकता है, इस वजह से ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया। अब यहां पर देखें तो इनवाइस वैल्यू इन टोटल उठा लें तो आपके पास इनवाइस वैल्यू आ रही है 8101560180 and 1650। आपने ये वैल्यूज ले लेनी अपने पास 8 10 1000, नेक्स्ट वन इज 1560, नेक्स्ट वन इज 1820 एंड द लास्ट वन इज 1650। फिर इसमें आ जाएंगी आपके पास इंपोर्ट ड्यूटीज, कौन सी नॉन रिफंडेबल, जी प्रोडक्ट ए के लिए हमारे पास है नॉन रिफंडेबल 90,000 जी, 150,000, 200,000 और प्रोडक्ट डी के ऊपर किसी किस्म की कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं। ऑलराइट। अच्छा फिर यहां पर अगर आप लोग देखें तो अब जो हमारे पास आना है वो कैरिज इनवर्ड आना है, लेकिन कैरिज इनवर्ड इन टोटल नहीं गिवन, कैरिज इनवर्ड गिवन है पर यूनिट के हिसाब से और मुझे भी कॉस्ट चाहिए पर यूनिट। तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि इनका कर ले टोटल, हमारे पास ये टोटल कॉस्ट ये वाली बन गई 900,000, यहां से ये वाली कॉस्ट बन गई इन टोटल 1710। टू जीरो टू जीरो, एंड 1650। कोई इशू? टोटल कॉस्ट यूनिट्स परचेज्ड प्रोडक्ट ए बी सी डी के यूनिट्स परचेज किए हम लोगों ने 360, 780, 560 एंड 600। 360, 780, 560 एंड 600 कॉस्ट पर यूनिट। अब ये कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा, इसको कह दो ए, इसको कह दो बी, तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा, व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय, इतना काम ये जरूर किया करो। ऐसे अब आपके पास देखें 900,000 डिवाइडेड बाय 360 द वैल्यू इज 35। 2500। ट्वेंटी फाइव हंड्रेड द नेक्स्ट वन इज 2192, नेक्स्ट वन जी 2750। ये कॉस्ट पर यूनिट है लेकिन अभी तक इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शामिल नहीं है, अब ऐड कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन इनवॉइस एंड द ट्रांसपोर्टेशन इनवॉइस इज 100 रुपीज पर यूनिट।
हर किसी में ये जाके ऐड करते हैं। ऑल राइट, अब इनका जब टोटल करना है तो यहां पर ये बॉक्स बनाते जाएं कि भाई मैं सिर्फ इनका टोटल कर रहा हूं यहां। हाँ जी, ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी 2600। सेम केस विद प्रोडक्ट भी, हाँ जी, द कॉस्ट पर यूनिट इज 2292। इधर कॉस्ट पर यूनिट बनेगी 3707, एंड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 2850। ये है आपके पास हर प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, क्या ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? क्लियर? नो? जी, अब टेबल में गए और यहां पर लिख रहे हैं इसकी वैल्यू 2600। अब चाहे ये गुड यूनिट है चाहे ये डिफेक्टिव यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट 2600। ऑल राइट, अच्छा, प्रोडक्ट बी के लिए कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही थी? 2900। टू जी, नेक्स्ट वन इज 3 जी, लास्ट वन इज, लास्ट वन 2850। अब ये टेबल कंप्लीट, अब आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाना है। अब लोअर वैल्यू की सिलेक्शन करनी है, लोअर वैल्यू की सिलेक्शन किस में से करनी है? कॉस्ट एंड एनआरवी। तो अगर आप लोग गुड आइटम देखें प्रोडक्ट है तो ये रिकॉर्ड होंगे कॉस्ट पर, डैमेज आइटम अगर आप लोग देखें तो ये रिकॉर्ड होंगे 1590 अपनी एनआरवी पर। प्रोडक्ट बी ने जाके रिकॉर्ड होना है कॉस्ट पर 2292। प्रोडक्ट सी जाके रिकॉर्ड होगी एनआरवी 3350। प्रोडक्ट डी ने रिकॉर्ड होना है कॉस्ट पर 2850। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू हमारे पास किस तरह से आएगी? ये जो लोअर वैल्यू आपने सिलेक्ट की इसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करते हैं, तो 2600 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 78,000 जस्ट। जी, 1590 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2292 मल्टीप्लाइड बाय 40, 91680, 3350 मल्टीप्लाइड बाय 20, 67,000, एंड 2850 मल्टीप्लाइड बाय 330, 9405। और अब जाकर इसको ऐड कर लें, वन वन नाइन थ्री 08 जीरो, और ये है आप लोगों के पास क्लोजिंग स्टॉक और ये है इसका सॉल्यूशन। ऑल राइट, अब यहां पर वर्किंग के रेफरेंसेस आप लोग दे सकते थे कि कॉस्ट यूनिट्स का पता चला, वर्किंग कौन सी वर्किंग थी इसकी? टू
कॉस्ट का पता चला, वर्किंग थ्री, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, वर्किंग वन। ऑलराइट, क्वेश्चन लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट और एनआरवी, और वैल्यू कैसे आ रही है आप लोगों के पास? लोअर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ऑलराइट, अब आप खुद देखो कि कितना बेस्ट वे है किसी भी क्वेश्चन के सोल्यूशन को प्रिपेयर कर। इस तरह से ना आप बहुत ज्यादा उलझन में चले जाते हो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होता है, बहुत ज्यादा टाइम उसके ऊपर एक ही चीज के ऊपर लग रहा होता है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लो तो आपके लिए, आप देखें मैंने वर्किंग जस्ट ये तीन वर्किंग स्कीम है, हमें सारा सोल्यूशन तैयार हो गया है। और ये 20 मार्क्स का हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था, तो 20 by 20 आप लोग ले सकते थे इसमें से। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।